hello my dear students hope you all fine and prepared yourself for the giving exam tomorrow onwards your exam will start yes am i right okay so have you prepared yourself did you revision all the chapters and uh, the topics from grammar side means whatever you have got in your syllabus according to syllabus you have prepared yourself yes or no नो यस गड मीन्स स्टील समर इन कन्फ्यूजन मीन्स अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मीन्स uh, कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है है ना तो हम फॉर दैट व्हाट वी कैन डू ओके वी कैन डू अ शॉर्ट रिविजन रिलेटेड टू एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सुनो कि आपके एग्जाम्स में क्या आने वाले हैं मीन्स किस तरह की क्वेश्चन आने वाले हैं है ना अब कहां से आने वाले हैं ये सब चीज़ों के लिए हम थोड़ी सी शॉर्ट रिविजन करेंगे एंड दीज टॉपिक्स फ्रॉम ग्रामर साइड वो ग्रामर की जो टॉपिक्स मैंने दिया है उनको भी शॉर्ट रिविजन करेंगे है न सो डियर स्टूडेंट्स

Syllabus. So syllabus means name of the chapters. You have already known that five from questions will come from five chapters. Okay. The train to Aswan, Tigers, Dream Palace. Fourth number is the Emperor Teen Castle. Fifth number is the treasure hunt. Okay. Dear students, one thing I want to tell you here that please do reading the chapters thoroughly. आपको ये चैप्टर्स को थ्रूली पढ़ना है बिकॉज चैप्टर के अंदर से मैंने क्वेश्चन बनाया है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन ये आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स आ सकते हैं है ना तो जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्या बीच में से आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे है ना तो प्लीज रीड द चैप्टर्स वेरी केयरफुली सेकेंड थिंग क्वेश्चन आंसर विल कम ओके छ और सात क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ईच चैप्टर मीन एक चैप्टर एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनका आंसर आपको लिखना है और आंसर लिखने से पहले उनका नंबरिंग देना बहुत ही जरूरी है सुन रहे हो ना स्टूडेंट्स ओके बट ये चैप्टर्स के पहले और एक चीज़ आएंगे जो आपने मीन्स अभी तक जो आपने लास्ट ईयर जैसे एग्जाम दिए थे है ना स्कूल में और आपने पेपर में देखा होगा कि एक आंसर पैसेज आते हैं है ना एक मीन्स कॉम्प्रीहेंशन आते हैं जो आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन आंसर लिखना है मीन्स वो पैसेज को आप अच्छे से पढ़ोगे फिर आपको क्या करना है वो नीचे जो आपको आंसर मीन्स क्वेश्चनस बताए जाएंगे है ना जो भी हो सकते मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर हो सकते ट्रू फॉल्स हो सकते हैं है ना ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं और वो पैसेज की मीन्स वो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपकी पैसेज के रिलेटेड ही रहेंगे है ना तो आपको पैसेज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स यू हैव टू रीड दैट पैसेज वेरी केयरफुली देन आपको आंसर लिखना है ओके डियर गुड नाउ कम टू द टॉपिक्स फ्रॉम ग्रामर साइड ओके ग्रामर की टॉपिक्स क्या क्या है ना फर्स्ट नंबर सेंटेंस सेंटेंस की रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं एडवर्ब्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे बोलेंगे सर्कल द एडवर्ब्स अंडरलाइन द एडवर्ब सेंटेंस देंगे फिर वहां पे अंडरलाइन करना पड़ेगा ओके देन प्रीपोजिशन आ सकते हैं प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिलिंग वो ऐसा आ सकते हैं जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बढ़ाने के बाद मैंने जैसे एक्सरसाइजेस दिए थे ना आपको करने के लिए उस तरह की एक्सरसाइजेस आ सकते हैं ओके सो वी केयरफुल मीन्स आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर करना है मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स के बारे में भी हम मैंने आपको टीचिंग किया है है ना तो वो मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं नाउन्स तो आपको पता ही है नाउन्स के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं और टेंस जैसे रिसेंटली वी हैव फिनिश द टेंस ये सनो हाउ मेनी टेंसेज वी हैव लर्ट टेन टेंस मीन्स देर आर थ्री टेंसेस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ओके तो ईच टेंसेज डिवाइडेड इन टू कितने पार्ट्स फोर पार्ट्स में है ना तो वो फोर पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट में और पास्ट तो कंप्लीटेड है ओनली फ्यूचर के दो टेंसेस रिमेनिंग है वो टेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके डियर सो ये है फिर राइटिंग है पैराग्राफ है एप्लीकेशन है लेटर नाउ आई विल टेक हियर अ वेरी शॉर्ट रिविजन अकॉर्डिंग मीन्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स ओके सो लुक प्रॉपरली फर्स्ट नंबर इज सेंटेंस एंड काइंड ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस ओके सो व्हाट इज सेंटेंस अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एक सेंटेंस क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ग्रो होते हैं जो क्या है कंप्लीट सेंस बताते हैं जैसे एग्जाम्पल क्या है आई गो टू स्कूल एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आर देयर एंड इट मेक अ कम्प्लीट सेंस आई गो टू स्कूल एवरी डे मीन्स मै स्कूल एवरी डे जाता हूँ कि जाती हूँ देर आर फोर का डिक्लारेटिव सेंटेंस भी बोला जाते हैं फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देन इंपारेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओके तो नाउ वी विल एक्सप्लेन और वी विल लार्न दीज सेंटेंसेस डीपली ओके लेट स्टार्ट एसरिटिव और डिक्लटिव सेंटेंस क्या होता है ना दिस सेंटेंस एक्सप्रेस और स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या है स्टेटमेंट को बताते हैं ओके okay? और इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और लास्ट में क्या होता है एंड में क्या है फुल स्टॉप ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या दिया जाते हैं फुल स्टॉप दिया जाते हैं ओके सीधा एग्जाम्पल देयर इज अ डायरी ऑन द डेस्क देयर इज मीन्स वहाँ पे एक डायरी है किसके ऊपर है डेस्क के ऊपर है तो यहाँ पे कैपिटल um, लेटर से शुरू हुआ है और लास्ट में क्या है फुल स्टॉप है ओके नेक्स्ट नंबर इज सेकंड नंबर दैट ही इज अ फर्स्ट बॉय इन क्लास फिफ्थ ही फर्स्ट बॉय मीन्स वो एक लड़का है जो क्या है फर्स्ट बॉय है इन फिफ्थ क्लास में तो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और लास्ट में क्या आया है फुल स्टॉप आया है और ये क्या आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना एक स्टेटमेंट को एक वर्णन कुछ कर रहे हैं ओके नाउ सेकेंड नंबर दैट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस इट ऑलवेज आस क्वेश्चन एंड एंडस विथ क्वेश्चन मार्क ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं क्वेश्चन मार्क मीन्स हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं है ना आस्किंग करते हैं आपको कुछ पूछते हैं और लास्ट में क्या आते हैं ना क्वेश्चन मार्क आते हैं ओके okay? गॉड इट सो सी दट वे आपका नाम क्या है फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क है सेकेंड नंबर डू यू है आपके पास कोई पेंसिल है क्या है ना तो यह भी एक क्वेश्चन सूचक मींस है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है थर्ड नंबर इज इंपारेटिव सेंटेंस दिस सेंटेंस एक्सप्रेसिस एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट ये जो सेंटेंस है ये क्या एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर को अदरवाइज रिक्वेस्ट को सो इट ऑल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप ये भी फुल स्टॉप से शुरू होते सी द एग्जाम्पल ओपन द डोर ये क्या आपको ऑर्डर कर रहे हैं है ना इम्परेटिव सेंटेंस है दिस इज देन लेट मी गो होम ये क्या शो कर रहे हैं ना रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिस सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉग फीलिंग ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपकी अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो शो करते हैं एंड इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क ओके एक्सक्लेमेशन मार्क से ये खत्म होते एग्जाम्पल वॉट ए ब्यूटिफुल हाउस और एक्सक्लेमेशन मार्क ओके हाई द मैन हैड डाइड यहाँ पे दो सेंटेंस से, हैं यहाँ पे आपको हैप्पीनेस शो कर रहे हैं आप देख के सरप्राइज हो गए हो कि वाओ यार ये घर कितने सुंदर है सेकेंड नंबर में हाय द मैन हैड डाइड यहाँ पे आपका सैडनेस शो कर रहे हैं okay, ओके तो ये आपके अंदर की फीलिंग्स है जो यहाँ पे शो कर रहे हैं गॉट इट डियर ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवाब व्हाट इज एन एडवाब ना एन एडवाब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब एडवाब एक ऐसा वर्ड होते हैं जो समथिंग मोर मीन्स इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में वर्ब्स के बारे में एक्शन वर्ड्स के बारे में ओके सी द एग्जांपल ही वी वॉक सॉरी वी टॉक पोलाइटली सो विच वन इज वर्ब हियर यहाँ पे भर्व क्या है ना यहाँ पे भर्व है टॉक बात करना बट कैसे बात कर रहे हैं ना वेरी पोलाइटली शीतल सेंग स्वीटली शीतल जो लड़की है वो गाना गा रही है गाना इज वर्ब ओके गाना गा रहे है बट कैसे गा रहे हैं ना स्वीटली हियर वी विल ऑल्सो लर्न द फोर टाइप्स ऑफ एडवाब्स लाइक एड ऑफ मैनर एड ऑफ टाइम एडभ ऑफ प्लेस और एड ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके एडभ ऑफ मैनर्स मीन्स हाउ द एक्शन हैज़ डन एक्शन है इट टेल्स अबाउट द मैनर ऑफ द एक्शन मीन्स हाउ अ भर्ब डज समथिंग ओके यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हाउ मीन्स कैसे होते हैं ये एक्शन लेसे लिसन प्रॉपरली लिसन इज द वर्ब बट ये एक्शन कैसे हो रहे प्रॉपरली आप प्रॉपरली लिसन करो टॉक सॉफ्टली बहुत स्लोली सॉफ्टली आप टॉक करो ओके सो स्लोली क्विकली लाउडली सर्डनली हैप्पीली दीज आर द एडवाब ऑफ मैनर्स सेकेंड नंबर इज एडवाब ऑफ टाइम एट ऑफ टाइम मतलब ना इट इंडिकेट द टाइम टाइम ऑफ एन एक्शन ये एक्शन के टाइम को बताते हैं मीन्स वेन अ वर्ब डज समथिंग मीन्स ये वर्ब जो एक भाव जो एक्शन शो करते हैं वो कब करते हैं है ना वेन सो सी द एग्जाम्पल दैट ही कम्प्लीटेड हीज वर्क टूडे इनके जो वर्क है ये कब कम्प्लीट किया है टूडे किया है कब, वो आपको समय को बता रहे है ना तो ये कैसे किसके अंदर आए एडवाव ऑफ टाइम नेक्स्ट इज माई फादर केम अर्ली आपके पापा घर आए है बट कब आए हैं अर्ली आए हैं कि लेट आए है ना अर्ली आए तो अर्ली इज अ ऐडवाब ऑफ टाइम ओके थर्ड नंबर इज ऐड भाव ऑफ प्लेस इट टेल्स वेयर और एड व्च प्लेस एंड एक्शन इज डन यहाँ पे कहाँ पर जो एक्शन जो हो रहे हैं है ना वर्व जो हो रहे हैं एक्शन शो कर रहे हैं ये कहाँ पर शो कर रहे हैं तो इट इट शोज द प्लेस तो दिस इज सी एग्जाम्पल दैट लुक आउटसाइड आप उधर देखो है ना आउटसाइड मिस्टर राकेश इज देर कहाँ पे है मिस्टर राकेश ना देर है तो आउटसाइड और देर ये दो जो वर्ड है ये कहाँ शो कर क्या शो कर रहे ना वेर वेर शो कर रहे तो ये कम्स अंडर द एडवाब ऑफ प्लेस फोर्थ नंबर इज एड ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बार तो इट टेल्स हाउ how ऑफेन और हाउ frequency द एक्शन टेक्स प्लेस गॉट इट डियर ये कितने बार एक्शन होते हैं जैसे ही ऑलवेज टॉक्स वो हमेशा बात करते हैं है ना वो जो लड़का है see, helps me sometimes. वो कभी कभार मेरे को मदद करती है, है ना तो समाइम्स मीन्स फिफ्टी परसेंट ओके Now another topic is

एंड डबल प्रीपोजिशन डियर ये मीन्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशन आई हैव मेड अ वीडियो यू कैन सर्च इन माय चैनल दट वसुंधरा महतो इज द चैनल एंड दे यू कैन लर्न अबाउट दिस टेंस सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट थ्री टॉपिक्स जस्ट नाउ वी आई एक्सप्लेन दैट सेंटेंसेस एडवर्बस एंड प्रिपोजिशन और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी मैंने बता दिया है ओके एंड यू कैन डू रिविजन दैट द एक्सरसाइजेस ऑफ सेंटेंसेस और रिज एडवाब एंड प्रीपोजिशन जो मैंने आपको दिए थे हम घर पे करने के लिए वो एक्सरसाइजेस को आप एक बार रिविजन कर लीजिए कर लीजिए और गेट रेडी फॉर गिविंग एग्जाम सो डियर स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच डू योर बेस्ट